हाय यार, आज किस चीज पे मगज मारी है? हाय, लास्ट टाइम हमने सन का असली कलर डिस्कस किया था। क्या यस, कलर सन निकला था? सामने आई थी सफेद, आई रिमेम्बर। व्हाइट। तो व्हाइट कलर की वजह से हमने फिर बात की थी कि सन में सात कलर होते हैं, सी सन लाइट में सात कलर होते हैं, मतलब हमारी आंखें वो सात कलर डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। एक्चुअल में तो हमारी आंखें कुछ हजारों कलर्स डिस्टिंग्विश कर सकती हैं, पर ये इसाक न्यूटन के टाइम से आ रहा है कि सात कलर्स में सनलाइट को बांटा गया है। करेक्ट। ओके, तो हमने बात की थी कि सनलाइट के सात कलर होते हैं, इसकी वजह से हमें रेनबोज दिखाई देते हैं। हाँ, हम यही बात कर रहे थे। तो तो मैंने भी सोचा था चलो अगली मगजमारी रेनबोज पे करते हैं। आज हम रेनबोज पे बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली, वेरी इंटरेस्टिंग, नाइस। आज रेनबोज पे बात होगी। सनलाइट, वाइट कलर, ये चीज का आइडिया बहुत देर तक लोगों को नहीं था कि इसमें सात कलर होते हैं। रेनबोज दिखाई देते हैं जब बारिश होके आती है ना, और सब लोगों को एक्साइट करते हैं रेनबोज। करेक्ट। इनफैक्ट पुराने जमाने में जब रेनबो बनता था ना, तो लोग पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। क्या बात कर रहे हो? क्यों, मतलब उनको लगता डर जाते थे या ऐसा कुछ? था, उनको लगता था कि भगवान खुश हो गया है, भगवान ने बारिश कर दी और हमें रेनबो दिखा रहा है, तो वो पूजा पाठ ओ कर रहे थे। वाओ, हाँ, इंटरेस्टिंग। इसीलिए तो रेनबो को शायद इंद्रधनुष भी बोलते हैं, क्योंकि इंद्रदेव को बोलते हैं वो बारिश का द गॉड भगवान। ऑफ रेन। राइट। तो ये ऐसा बहुत होता है, मतलब जब तक साइंस की चीजें समझ नहीं आती है लोगों को, तो लोगों को लग रहा है भगवान कर रहे हैं। जैसे सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स भी जब होता है, तो लोग उस टाइम पर बहुत पूजा पाठ करते हैं। आज भी बहुत सारे हाँ, अंधविश्वास फैले हुए हैं कि सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के टाइम पे पूजा आप करोगे तो 1 मिनट की पूजा 1000 मिनट की मानी जाएगी, कुछ ऐसे ऐसे। एनीवे, तो रेनबोज को समझे सबसे पहले इसाक न्यूटन, इंग्लिश साइंटिस्ट, जो कि ओके। बड़े पॉपुलर साइंटिस्ट हुए। आज भी लोग बोलते हैं कि अगर इसाक न्यूटन ना होते तो आज भी फिजिक्स की किताबें इतनी पतली होती। और ये सच्चाई है, और मेरे एग्जैक्टली। जैसे लोग अंडे ना लेकर आते, अंडे ना उबालते फिजिक्स के अंदर। ये सच्चाई है। क्या बिगाड़ा था हमने आइजैक का? हम तो पैदा भी नहीं हुए थे यार, क्या मान करते। तो आज हम पानी के अंडों की, पानी के छोटे छोटे गोलों की बात करेंगे, ठीक है? ओके। इसाक न्यूटन ने ये प्रूव किया कि लाइट जो है वो सात कलर्स की ऐसे बनी हुई है। सातों कलर यूनिटी में जब मिल जाते हैं, वाइट लाइट बनाते हैं। उससे पहले क्या होता था, जब रेनबो दिखता था ना, तो लोग सोचते थे कि अर्थ का जो मीडियम है, मतलब जो एटमोस्फियर है अर्थ के आसपास का, उसमें कुछ ऐसा हो गया है रेन के बाद, जिसकी वजह से उसमें से रंग निकलने लग गए हैं। ऐसा मानते थे, मतलब दिस इज सो वियर्ड। अभी भी यार लग रहा है ना, उस टाइम पर भी यार नहीं लगता था। हाँ, उस टाइम लगता था कोई क्लियर आंसर भी नहीं है। कुछ ऐसा हो गया है, मतलब दिस इज सो वियर्ड, राइट? क्या हुआ है ऐसा एग्जैक्टली? इज इट हाँ, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग नेगेटिव? आई डोंट नो, यही तो इसाक न्यूटन ने फिर समझने की कोशिश की। हाँ, मिस्टीरियस। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म ले ली। प्रिज्म होती है ना, ओके। एक हाँ, ट्रायंगुलर सा ट्रायंगुलर ग्लास थिंग। ग्लास, उसमें से व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म में से, और फिर देखा कि ओके। उसमें से व्हाइट लाइट जो सात रंगों में बट गई। ओ, तो एकता कपूर के सीरियल में जैसे कोई उल्टा बहू एक यूनाइटेड फैमिली को बांट के रख देती है, उसी तरह से व्हाइट लाइट को प्रिज्म बांट के रख देता है अलग अलग लोगों प्रिज्म में। इज द राइट, उल्टा बहू ही है। एग्जैक्टली। दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ प्रिज्म वर्क्स। सी, पर दूसरी, तुम प्रिज्म को अगर उल्टा लगा दो वो सात रंगों के आगे, मतलब इधर से व्हाइट लाइट आई थी, प्रिज्म लगाई सात रंगों ने, उसके आगे एक और प्रिज्म लगाओ उल्टी करके, तो फिर से व्हाइट लाइट निकलती है। वाह, दिस विल बी फन। हाँ, मतलब अगर करो तो देखने में बड़ा मजा आएगा कि पहले कलर्स अलग हो रहे हैं, फिर एक हो रहे हैं। आई मीन, नाइस। हाँ, तो कुल तो जो उल्टा बहू है उसके ऊपर ओवर पावर कर दिया है सास ने, और उसने अगेन अपनी बटी हुई फैमिली को एक धागे में पिरो के रख दिया है। राइट। तो यही पे हुआ, यही हुआ यहाँ पे। तो इसाक न्यूटन ने ये प्रिज्म वाला जब एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक कम्युनिटी को दिखाया, लोगों को दिखाया, लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये जो मीडियम में कुछ हो गया है, ऐसा अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ हो गया जिसकी वजह से रंग निकल रहे हैं, पर नो, इट्स द वाइट लाइट विच इज गेटिंग स्कैटर्ड फ्रॉम दिस वेरी स्मॉल प्रिजम्स मेड बाय दिस ड्रॉप्स इन द एटमोस्फियर आफ्टर अ रेन, विच लीड टू वाओ, दिस दिस स्पेक्ट्रम ऑफ सेवन कलर्स। करेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो पॉइंट ये है कि जब ड्रॉप्स ऐसे सस्पेंडेड होती हैं हवा में, रेन होके हटी है, मान लो सन तुम्हारे पीछे है, हाँ, तुम इस तरफ देख रहे हो, तो रेन ड्रॉप्स में से सन की लाइट
सात तरंगों में बट के तुम्हारी तरफ रिफ्लेक्ट होके आती है तुम्हारी आंखों में, करेक्ट, तो इसको रेनबो बोलते हैं। तो रेनबो कैसे नजर आया, लाइट पीछे से आई, आगे तुम्हारी बारिश कहीं पे चल रही है या मतलब कि कहीं पे सस्पेंडेड है, तुम्हारे यहाँ होके आती है, लाइट रिफ्लेक्ट होके सात रंगों में बट के तुम्हारी आंखों में आ रही है, यही रेनबो है और कुछ नहीं है। वाह, ऐसे सोचो जब तुम अभी एक्सप्लेन कर रहे हो तो इट सीम्स सो इजी, बट जब एक्चुअली रेनबो देख रहे होते थे बचपन में, जब से पता नहीं था तो ऐसा लगता था पता नहीं ये क्या मैजिकल थिंग है। हाँ सबको मैजिकल लगता है। अब मैं तुम्हें एक चीज और हाँ बताता हूँ कि मान लो तुम्हें एक रेनबो दिखाई दे रहा है, तो सनलाइट और तुम्हारी आंखों के बीच में कुछ 42 डिग्रीज का एक एंगल बनता है। रेनबो हमेशा 42 डिग्री के एंगल पे दिखाई देते हैं रफली, ओके। वाह, वो वाटर की प्रॉपर्टीज की वजह से होते हैं। हाँ अब ओके, तुम्हें ये 42 डिग्री पे एक रेनबो दिखाई दे रहा है, मान लो तुम्हारा हाँ एक फ्रेंड है जो तुमसे थोड़ी दूर है, ओके, और वो भी एक रेनबो देख रहा है, तो क्योंकि ओके, उसके लिए वो 42 डिग्री वाली एंगल की कंडीशन किसी और जगह पे सेटिस्फाई हो रही है, तुम्हारे लिए किसी और जगह पे और सेटिस्फाई हो जगह रही पे हो रही है, है, तो इसकी वजह राइट, से जो उसको रेनबो दिखाई दे रहा है और जो तुम्हें रेनबो दिखाई दे रहा है, दोनों अलग अलग है। क्या वी आर नॉट लुकिंग एट द सेम नो रेनबो, दोनों को रेनबो दिख रहे हैं बट अलग अलग रेनबोज दिख रहे हैं। इनफैक्ट वाह, अर्थ के तुम हर जगह पे डिफरेंट जगह पे जाओगे, तुम्हें एक डिफरेंट रेनबो दिखाई देगा। पर कभी कभी ऐसा भी होता था, आज बचपन में बारिश हुई है, मैं और मेरे दोस्त बाहर खड़े हैं रेनबो देखते हुए, बस हम ज्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, फिर भी मुझे रेनबो दिख रहा है एंड दे कैन नॉट सी इट, बिकॉज 42 डिग्रीज का एंगल उनके लिए नहीं बन रहा वो है, इज ऐसा दैट हो सो? सकता है कि मान लो वो किसी इतनी दूर है, इतनी काफी दूर है कि उनकी डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट करके नहीं आ रही है, पर मेरा ख्याल से वो काफी ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि यू नो ऑन द स्केल्स ऑफ एटमोस्फियर, इफ यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इवन विद इन 1 किलोमीटर, यू शुड बी एबल टू सी अ रेनबो। अच्छा, हाँ तो ये पॉइंट है, और इसलिए रेनबो मतलब बहुत सारी पुरानी जमाने में कहानियां होती थी ना कि तुम्हारा रेनबो जहां से शुरू होता है उसके नीचे गोल्ड दबा होता है। क्या बात कर नहीं रहे हो, ऐसी चीज होती है क्या? ना तो मैंने कहानी सुनी, बट ये कहाँ, आई होप ये कहानी ना हो यार, क्योंकि आया हुआ है मौसम बारिश का, तो मुझे कहीं ना कहीं रेनबो मिलेगा और उसके नीचे, हाँ देखो मिलेगा। मुझे स्पेस ट्रैवल करना है, देखो मुझे फ्लैट भी खरीदना है, तो आई एम बैडली, आई कैन यूज सम मनी यू नो, तो अगर ऐसा सच है ना ये, कि कहानी थी? नहीं, वही मैं तुम्हें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ कहानियां है, क्योंकि रेनबो इटसेल्फ एक धोखा है। तुम्हें कहीं पे ऐसा कोई लोकेशन नहीं है जहां पे रेनबो शुरू होके खत्म हो गया, क्योंकि तुम अगर रेनबो को पकड़ने के लिए आगे जाओ तो रेनबो भी आगे भागेगा। हाँ वो तो है, मैं किसी को भी पकड़ने के लिए जाऊँ तो वो मुझसे आगे आगे भाग रहे होते हैं, जैसे रेनबो एक धोखा है वैसे प्यार भी एक धोखा है। खैर वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, वो मुझे समझ नहीं आता है, पर मुझे इतना पता है कि ये अगर तुम रेनबो को मतलब कि देखने के लिए आगे बढ़ो, उसके क्लोज जाने की कोशिश करो, वो क्लोज नहीं होएगा, वो और दूर होता जाएगा, इसलिए तुम रेनबो को पकड़ नहीं पाओगे। कुछ और तुम्हें एक चीज मैं बताता हूँ, अर्थ पे हमें सेमी सर्कल दिखाई देता है ना रेनबो का, हाँ सेमी वो सर्कल। कंप्लीट कहाँ होता है ऐसा पता ही नहीं पड़ता है। हाँ एक्चुअल में रेनबो एक पूरा सर्कल होता है, वो सेमी सर्कल अर्थ पे इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर जो रेन ड्रॉप्स हैं तुम्हारी मतलब कि एटमॉस्फेयर में 42 डिग्री वाला एंगल बनाने वाली सिर्फ आधे में ही है, नीचे तो अर्थ आ गई, तो इसलिए नीचे से वो लाइट करेक्ट, रिफ्लेक्ट होके आ ही नहीं रही है, अगर नीचे भी होता तो राइट, नीचे से भी आती, तो इसलिए तुम्हें अगर पूरा रेनबो देखना है पता क्या करना पड़ेगा, क्या? या तो बहुत ऊंची बिल्डिंग पे चले जाओ जैसे बुर्ज खलीफा। अरे यार, तुम सारे एक्सपेंसिव ट्रैवल रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स मुझे बोलते हो यार तीन चार आज, सौ माले की बिल्डिंग में चले जाओ तो तुम्हें देखो ना। पूरा एक सर्कल रेनबो का दिखाई देगा, अच्छा या फिर उधर चले जाओ एयरप्लेन में चले जाओ, अच्छा मिड फ्लाइट तो तुम्हें एक पूरा रेनबो दिखाई दे सकता वाह, कभी देखा है तुमने? मैंने तो नहीं देखा, है। फ्लाइट में जब मैं थी एक बार आई रिमेम्बर कि रेनबो देखा था, बट वो कंप्लीट हो रहा था ऐसा आई डोंट नो नो रिमेम्बर। आई हैव सीन मैं फुल रेनबो इन फ्लाइट। यू हैव सीन हाँ वाना? मोस्ट नाइस, लकी आई हैव सीन फुल रेनबो। चलो आज की मगजमारी यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स आश, इट वाज फन, बाय।